नमस्ते दोस्तों। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने दोनों का मीनिंग दिखा और एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश की कि आखिर इसके दोनों ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस क्या है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला पोर्शन जिसका नाम है डिटेल एनालिसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पोर्शन में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करने वाले हैं। इसके जो इसका स्कोप है, फिर इसके फीचर्स है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम वो सब चालू करें, हम एक बार इसके कीवर्ड्स लिख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। माइक्रो मतलब स्मॉल थिंग, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ What? Study of individual units. Okay. तो ये दो हमने देखा था। ये तो हो गया हमारा ग्रॉस मीनिंग, बट हमारे बुक में इसके रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी दी है, जो साइंटिफिक डेफिनेशंस हमें बोलते हैं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें ये नहीं लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। उसके बदले हमारे बुक में हमको दो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है, इसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं वो डेफिनेशंस पढ़ना। उसमें से पहली डेफिनेशन जो है वो दी थी एक इकोनॉमिस्ट मॉरिक डॉब इन्होंने। तो मॉरिक डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज का मतलब क्या समझिए, इमेजिन कीजिए एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, अगर कोई भी नीचे वायरस रखा गया हो या तो कोई जीव जंतु रखा गया हो तो वो हमें बड़ा होके दिखता है, उसका मतलब होता है माइक्रोस्कोप। या अभी अभी हम लेंसेस से देखते हैं, हम इधर बैठे बैठे कोई दूसरे ग्रह को भी देख सकते हैं और वो बहुत अच्छे से बड़े से देख सकते हैं। इसके लिए मॉरिक डॉब क्या बोलते हैं कि एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है उसकी अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें उसको हम बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मॉरिक डॉब बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो जब भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पूछी जाए तो हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है इसमें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के नज़रिए से देखना। उसको हम मॉरिक डॉब ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद और एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था एपी लर्नर। इन्होंने भी कुछ इस ही तरह से जैसे मॉरिक डॉब इन्होंने डेफिनेशन दी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको ही थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए और एक डेफिनेशन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली सीइंग अ इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज वी सी सेल्स इन द बॉडी। हम सबको पता है, इतना बेसिक साइंस तो हम सब ने पढ़ा है कि हमारे बॉडी जो मेडअप होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मेडअप होती है, और सेल ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसके लिए जो हमने देखा था इधर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए एपी लर्नर ये जो इकोनॉमिस्ट है वो रिलेट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को सेल के साथ। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, और सेल क्या है, हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट। इसके लिए वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सीइंग इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as we see cells in the body। और वो आगे बोलते हैं कि ये स्टडी किसकी है, मतलब इसमें हमको क्या क्या स्टडी करना है।
दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें लिखना है, तो सबसे इजी डेफिनेशन, अगर आपको ऐसा कंपल्शन तो नहीं किया जाएगा कि मॉरिक डॉप की डेफिनेशन लिखिए या एपी लर्नर की डेफिनेशन लिखिए, बट अगर आपने दोनों भी डेफिनेशन लिखी तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मॉरिक डॉप बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो हमें इसमें क्या कीवर्ड याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और एपी लर्नर, इन्होंने भी वही डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सीइंग इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इमेजिन कीजिए, इकोनॉमी है, इकोनॉमी को हम लोग एक माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं, जैसे हम सेल्स देखते हैं बॉडी के। तो एपी लर्नर बोलते हैं जैसे हम सेल्स देखते हैं, उससे उन्होंने रिलेट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कमोडिटी, कंज्यूमर। जैसे हमने भी देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है इंडिविजुअल यूनिट्स की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं। तो अभी डेफिनेशंस के बाद हमें अगला पार्ट पढ़ना है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें हमें पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन सी थेरीज का इस्तेमाल करना है। इसमें हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा है थेरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरा है थेरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। हम हर एक एक जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इधर पहला पॉइंट लेते हैं हमारा, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो है थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्यों बोलते हैं? हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी है। मतलब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ, मैंने क्या किया, इस पेन का डिमांड किया। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने ये पेन प्रोड्यूस किया। तो जब भी कभी हमें इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करनी होगी, तो वो दो फोर्सेस के इंटरेक्शन से होगी, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई के फोर्सेस से। हमने एक लेक्चर पहले देखा था कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस पे ही फोकस किया था। वो बोलते थे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। इसके लिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमें बोलता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो दो एंड फंक्शन है, एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। अभी डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर और सप्लायर, प्रोड्यूसर और सप्लायर। इन दोनों फोर्सेस के इंटरैक्शन से हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलती है हमारी प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है किसमें, तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकालने के लिए। वो क्या करता है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स का डिमांड देखता है, फिर इंडिविजुअल सप्लायर्स का सप्लाई देखता है, और उस दोनों फोर्सेस के इंटरेक्शन से हमें मिलती है प्राइस। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए। अभी हमारे पास दूसरा जो हमारा स्कोप का पॉइंट है, वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग अभी हमने देख लिया, दूसरा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है, इमेजिन कीजिए हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है। इमेजिन कीजिए हमें इस कैमरा का प्रोडक्शन करना है। इस कैमरा का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो हमें फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए क्या लगेगा, तो हमें लैंड लगेगी।
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने ऐसे चार प्रोडक्शन के फैक्टर दिए कि जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मस्ट है। पहला है उसमें से लैंड है, दूसरा है कि अगर हम लैंड लेंगे तो सिर्फ लैंड लेने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद हमें उस पर लेबर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें लेबर हायर करना पड़ेगा, वो लेबर हमारा कैमरा बनाने में मदद करेंगे, तो दूसरा फैक्टर इसमें है लेबर। तीसरा है कैपिटल, मतलब कोई भी बिजनेस हो बिना कैपिटल के हो नहीं सकता है। इसमें इस एनालिसिस में कैपिटल का मतलब है लोन, कि मतलब हम कैपिटल से क्या करते हैं, बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फिर हमारी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, वेजेस देते हैं लेबर्स को। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब है बिजनेसमैन। अगर कोई भी बिजनेस विदाउट बिजनेसमैन नहीं चल सकता, ये हम सबको मालूम है। इसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चार फैक्टर्स देता है। वो देता है कि प्रोडक्शन के लिए चार फैक्टर नेसेसरी है। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि इन चारों फैक्टर का जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड कैसे पे करें, इसमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ये चारों फैक्टर्स का रिवॉर्ड क्या है हम लोग देख लेते हैं। जब हम लैंड रेंट लैंड यूज करते हैं तो उसका हमें क्या देना पड़ता है, उसका हमें देना पड़ता है रेंट। फिर जब हम लेबर्स हायर करते हैं तो लेबर्स के लिए हमें क्या देना पड़ता है, वेजेस। उसके बाद हम लोग जब कैपिटल लेते हैं, समझो हमने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से उसके बदले में हम लोन भी देते हैं और उसके साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी देते हैं। इसके लिए कैपिटल के साथ हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस बिजनेसमैन के हाथ में क्या बचता है, बिजनेसमैन के हाथ में बचता है प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थेरीज है वो हमें हेल्प करेंगी कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके लिए जो रिवॉर्ड है यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये कैसे पे करना है, इसमें हमें हेल्प कौन करेगा, तो हेल्प करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आपको ये ध्यान में आ गया होगा, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए, ये चार फैक्टर चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके लिए इन सभी फैक्टर्स की प्राइसिंग, प्राइसिंग मतलब रिवॉर्ड देने के लिए कौन हेल्प करेगा, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। उसके बाद हमें हमारा तीसरा जो स्कोप पॉइंट है वो देखना है। हमारे बुक में तीसरा स्कोप का पॉइंट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में कैसे मदद करता है हमें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होना चाहिए। समझो एक गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी कोई पैकेज अनाउंस किया है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी COVID-19 के पेंडेमिक में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश के लिए पैकेज डिक्लेयर किया, तो वो डिक्लेयर्ड पैकेज का एलोकेशन कैसे होना चाहिए ये हमें कौन बताएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक थेरीज बताएगी। वो पैकेज हर एक इंडिविजुअल तक कैसे जाएगा ये हमें कौन बताएगा, तो ये बताएगा माइक्रो इकोनॉमिक थेरीज बताएगी। इसके लिए माइक थेरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बोलता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ये कौन बताता है, तो ये बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ थेरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये भी बोलता है कि इफिशियंसी पे फोकस करता है। अभी इफिशियंसी का क्या मतलब है, इफिशियंसी का मतलब है कम से कम आउटपुट में, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना। मतलब अगर हम लोग 100 रुपये का इनपुट डाल रहे हैं तो उससे 200 रुपये का या तो उससे भी मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब है इफिशियंसी का। इसके लिए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमें तीन तरह की इफिशियंसी देता है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमें देता है, फर्स्ट है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा है इफिशियंसी इन कंजम्पशन,
और तीसरा है इसमें इफिशियंसी इन ओवरऑल इफिशियंसी। अभी हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन का मतलब क्या है? हम इस बहुत बार देख चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की स्टडी है। तो एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो लेस से लेस आउट इनपुट में, मतलब बहुत कम से कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे इसका मतलब उसकी इफिशियंसी बरकरार रहे। इफिशियंसी बरकरार रहे का मतलब उसका इकोनॉमिक वेलफेयर हो जाएगा, और यही हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा स्कोप है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में पॉइंट है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन में हमें क्या देखना है? तो हमें देखना है कि लेस इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। लेस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। उसके बाद इफिशियंसी इन कंजम्पशन। एक कंज्यूमर को क्या चाहिए? तो एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए कि वो जो भी गुड्स या सर्विसेज यूज कर रहा है उसमें उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसके लिए इफिशियंसी इन कंजम्पशन क्या है? इफिशियंसी इन कंजम्पशन है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जब भी इफिशियंसी इन प्रोडक्शन भी होगा, इफिशियंसी इन कंजम्पशन भी होगा, मतलब ऐसी ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी जो कम से कम इनपुट में प्रोड्यूस की है और उससे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, और वही गुड्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलेगा, तो उससे क्या क्रिएट होगा? तो उससे मार्केट प्लेस में क्रिएट होगा ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो हमने देखा कि इफिशियंसी इन प्रोडक्शन से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इफिशियंसी इन कंजम्पशन से क्या होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जिससे मिलता है वही कंज्यूम करेगा एक कंज्यूमर। और ओवरऑल इफिशियंसी में क्या होगा कि मार्केट में ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगी जो मोस्ट डिजायर्ड है, मतलब जो भी कंज्यूमर मांगेगा वही प्रोड्यूस होगा, और प्रोडक्शन में भी वो कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमारे तीन स्कोप थे। पहला था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें हमने देखा कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालना है ये हमें सिखाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा कि जो हमें प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, या तो फिर चार फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों का रिवॉर्ड कैसे फिक्स करना है ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब इफिशियंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो भी रिसोर्सेस हमारे गवर्नमेंट के पास है या हमारे पास है उसका हम अलोकेशन कैसे करें, मतलब कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे ले, कम से कम पैसों में हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे ले, और उसके साथ ओवरऑल इफिशियंसी भी कैसे बरकरार रहे ये हमने देखा। इसके आगे हम लोग एक मास्टर चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं डेफिनेशंस का और स्कोप का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है डेफिनेशन, दूसरा है स्कोप जो हमने अब तक पढ़ा। डेफिनेशन में मॉरिक डॉब इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी मतलब अगर हम इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से देखें तो उससे हमें क्या दिखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक। उसके बाद स्कोप में हमने तीन पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट था स्कोप में थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा पॉइंट था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और तीसरा पॉइंट था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमने क्या देखा? देखा कि
जो प्राइस है वो दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई, और इन दोनों के इंटरैक्शन से हमें मिलता है प्राइस। उसके बाद थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स और उसका रिवॉर्ड, पहला फैक्टर है लैंड, उसका रिवॉर्ड है रेंट, उसके बाद लेबर को हम लोग क्या देते हैं, तो वेजेस और सैलरी, इसकी जगह आप सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेबर्स। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, और लास्ट था एंटरप्रेन्योर, उसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने क्या देखा, पहला पॉइंट था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में इफिशियंसी देखा हमने। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब इफिशियंसी देखा, इफिशियंसी मतलब देखा मतलब क्या होगा कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने पहला देखा कि इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, फिर दूसरा देखा इफिशियंसी इन कंजम्पशन, और तीसरा देखा ओवरऑल इफिशियंसी। तो इस तरह से हमारा डेफिनेशन और स्कोप जो है वो एक ही चार्ट में आ गया है। तो आपको ये बहुत आसान होगा कि जब भी कभी अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएगा कि उसकी डेफिनेशन और स्कोप बताइए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना चार्ट ध्यान में रख के जाना है। डेफिनेशन में आप मैंने आपको समराइज करके दिया है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, इससे आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्कोप में आपको तीन पॉइंट लिखने हैं, तीन पॉइंट में मैंने आपको समराइज वे में दिया है कि डिमांड और सप्लाई, इसके सेंटेंसेस फ्रेम करके सिर्फ आप लिख लेंगे तो आप पूरे मार्क कमा सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले, या तो फिर अपने बुक में ये ले ले। अभी दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बुक में क्या लिखा है। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमारे बुक में अभी इस बारे में क्या लिखा है। हमने अभी डेफिनेशंस और स्कोप देखा, वही हम एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशंस। क्या क्या पढ़ा है कि हमने, इंडिविजुअल यूनिट्स है, फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फर्म, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पढ़ाई की। अभी हम कुछ फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली है मॉरिक डॉब, इन्होंने दी हुई। मॉरिक डॉब क्या बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको किया था, एम्फोसिस कौन से वर्ड पे करना है अपने को, माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे। फिर उसके बाद है प्रोफेसर एपी लर्नर, इनकी डेफिनेशन। एपी लर्नर क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट द लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। मतलब क्या, लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जैसे कि हम लोग हमारे सेल्स देखते हैं बॉडी में, वैसे ही हम अगर इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, एज दे प्ले पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमें देखना है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, हमें तीन पॉइंट देखने थे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसके बाद थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, उसके बाद थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये तीन पार्ट हमने देखे थे। अभी हम एक बार उसको बुक में से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले पार्ट की तरफ जाते हैं हम, हमारे जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या दिया है हमको कि द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक कमोडिटी की, इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस किससे होती है, तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के इंटरेक्शन से एक
कमोडिटी की प्राइस निकलती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। तो जब भी ये दो फोर्सेस इंटरैक्ट होंगे तब हमें मिलेगी एक प्रोडक्ट की प्राइस। उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर प्राइसिंग क्या बोलती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने देखा था कि हमने एग्जांपल लिया था कि एक कैमरा का प्रोडक्शन करना है तो क्या क्या लगेगा, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके रिवॉर्ड्स क्या है, उनके रिवॉर्ड्स है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड्स है रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अभी उसके बाद अपन नीचे आते हैं, दिया है हमको तीसरा स्कोप थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद द इफिशियंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है। इफिशियंसी इज अटेंड व्हेन इट रिजल्ट्स इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को इफिशियंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। तो इकोनॉमिक इफिशियंसी जो है वो तीन लेवल्स में डिवाइड की गई है। पहला है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम पॉसिबल गुड्स प्रोड्यूस करना, ये है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इफिशियंसी इन कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे दैट इट मैक्सिमाइजेज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब पूरे सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन जिस लेवल पे मैक्सिमम होगा वो लेवल को देखना, मतलब इफिशियंसी इन कंजम्पशन। उसके आगे का पॉइंट है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी इज द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करो कि जो गुड्स और सर्विसेज मोस्ट डिजायर्ड होगे पब्लिक को। सो द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज व्हाट कंडीशंस दीज इफिशियंसीज आर अचीव्ड। मतलब कौन कौन से कंडीशंस में ये इफिशियंसी हमें मिल सकती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड द प्राइस थ्योरी एंड द रिसोर्स अलोकेशन। आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी, प्राइस निकालना और रिसोर्स अलोकेशन करना। मतलब एक आधा रिसोर्स अगर हमारे पास है, इकोनॉमी के पास है, तो उसको हम इंडिविजुअल्स में कैसे अलोकेट करेंगे वो कौन बताएगा हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। Thus it does not deals with the aggregates। हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये aggregates की study है ही नहीं, ये individual unit की study है। This approach does not study the national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies are etc. beyond the limit of microeconomics। ये सब part हमें सीखना है macroeconomics में। तो ये हमारे features थे, ये हमारा scope और definition था जो हमने पढ़ा। अभी अगले lecture में हम लोग features और importance पढ़ेंगे। Thank you।